गुड इवनिंग। आज जो है सो ये कुरैशी कम्युनिटी और इससे पहले ये गाय ट्रांसपोर्टेशन में, गाय बछड़ी ट्रांसपोर्टेशन में, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन में अरेस्ट किए सो ऐसे पर्सन्स को आज बुला के एक बार काउंसिल करें और आने वाले 10 दिन में बकरीद है, बकरीद के लिए बाहर से जानवर नहीं लाना और गाय को भी और बछड़ी को काटना हवनन तहत पे बैन है, उस पर वो लाने के लिए नहीं काटना और जो जो करना उसके लिए हम बोलने लोगों को समझाया गया। फिर से वो लोग वो क्राइम में इन्वॉल्व न हो जैसा वो लोगों को रिक्वेस्ट करें, समझाए, वो लोगों को काउंसिल करें और जो है सो आने कुछ जानवर काटे तो भी बकरी इकरी कुछ भी काटने दो, कचरा जो है सो कैसा मेंटेन करना क्या है इस सब के बारे में ये लोगों को बोलना हुआ। सबसे आवाम से भी गुजारिश है अगर कुछ काटे तो भी बाहर नहीं फेंकना, बकरी काटे तो भी उसका जो वेस्टेज रहता है वो वेस्टेज बाहर नहीं फेंकना, जो आप लोगों को कवर्स देते हो कवर्स में डालना और जो स्पेसिफिक प्लेसेस रहती है जो गाड़ी आपको कचरा ले जाने के वास्ते आते हैं वो लोगों को देना जब तक घर में रखे, क्योंकि बाहर डालने से कुत्ते वो सब लेते और उससे गली में परेशान हो जाता, दूसरे अकवाम के भी रहते लोगों से परेशानी होती लोग, तो उसी लिए सब लोग भी इसका केयर करो। आप सबको पता है आने वाले 10 तारीख को बकरीद, बकरीद में साथी से वाले जानवर को काटते हैं आप लोग, ये साथी से जो करते हैं आप लोग उससे अब तक गाय और मछली जो भी नहीं काटता, हम उनसे कहते पहले उठकर सबको मालूम होता है, अगर ये लोग ट्रांसपोर्ट कर दिया अगर आप लोग गाय प्रॉब्लम होता है, इससे पहले हालात अलग था, अब आने वाले हालात जो उसको बिगड़ गए, आपको मालूम है हर छोटी चीज़ भी क्या हो रहा क्या है, हर जगह भी क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, और दूसरों का भी फीलिंग्स को अपन रेस्पेक्ट करके अपन गाय को और मछली दोनों को भी काटना छोड़ दिया। अच्छा रमजान के अंदर फूल हच्छों का विषय जो उसको बड़ा होता है, अगर कोई गंदगी से आप थोड़ा ला रहे लीगल भी ला रहे जानवर कोई होगा, आजकल गोर अच्छी सब्जी वाला है बहुत कुछ आदमी से था, इससे पहले एक ही था बहुत कुछ आदमी से पत्रपाजी फिर लोगों का ट्रांसपोर्टेशन तापमान होता है ऐसे चिंता कर रहे हैं, एक चिंता कुछ भी नहीं कर रहे, अगर मिल गए गलू से मिलिए सतर्क बहुत बड़ा रहता है, आप लोग धंधा करते हो अपन सबको रोज एक चेहरा एक देखते हैं यही रहते कोई ना कोई आगे कुछ करा आसान हुआ सबको परेशान है, तो सबसे गुजारिश है कानून प्रॉब्लम जो करता हो करिए गैर कानूनी मत कीजिए, अब रही बात कदम कोई जानवर बुलाए काटे तो उसका जो वेस्टेज रहता बकरा भी होने दो, उसका जो वेस्टेज रहता कहाँ हो तो वहाँ मरता हो वो लोगों को बोलो, तो जिन चीज की डब्बा में डाले तो क्या है आपको मालूम उनके पूरे जो वेस्टेज को लेकर फूटते तो गाय का क्या है क्या है उसको ले नहीं सकते, गाय का बस पोषण बकरी का बस पोषण भी भजवा लेनी है, वो भी गाय बस को गड़बड़ करना लगे ऊपर परेशानी है, आप लोगों को मालूम सवाल से बेहतर आप लोगों को मालूम वो देखो जैसा देखता आप लोगों का काम है, अगर कुछ भी गलती से आप लोगों का कुछ का ये हुआ आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते अब कौन को जा वो बच्चे सब जरूरी है क्या है क्या जरूरी हो तो बोलो है, जब नहीं है तो आप सबसे गुजारिश है कानून का हाथ में मत लीजिए और जो रूप से जब जिसे आपको उसको मालूम है तो फॉलो करना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना, गाय को लेना मछली को लेना काटा दे, जो परमिशन है वो परमिशन उनको लाए तो भी जो कानून के पास में उसको जितना जो बाड़ी में ला रहा है वो बाड़ी में ला, अब ये बीच में जो हम लोग पब्लिक सोचते मालूम हो रहा
ऐसा कहाँ से ब्रह्मपुर में जैसे बोला सीतापुर से कहाँ से आ रहा सबलपुर क्या है अच्छे सबलपुर पता है यहाँ भी पायलटिंग बोलते हो पायलटिंग के लिए आते हैं अच्छे से पायलट को पूछा देते हैं उनको पूछा देते हैं जानवर को कितना पता है जानवर को अच्छे सबल मालूम है जहाँ पे कुछ बार सुनते थे बड़ा हम लोग देखना पड़ता कल कुछ हुआ तो मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको मेहरबानी करके मत कीजिए कानून के काम मत कीजिए कानून के काम हमें जो करना वो कीजिए ओके और आप मेरे भरोसा है आप लोगों से चाहे कानून के काम नहीं करते जब फिर भी आप लोगों को बुला के एक बार बोलना हमारा फर्ज है हम लोग को अगर गैर कानून युद्ध करें तो छोड़ेंगे तो ओके चलो शुक्रिया।